क्या करते हैं मम्मी के साथ? मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और छेड़ते हैं। छेड़ते हैं, क्यों करते हैं सर? ऐसा इसलिए करते हैं कि फिर हम और मम्मा भाग जाए। भाग जाए। पापा की डेथ हो गई है? कैसे? पापा की डेथ ऐसे हो गई है कि वो मंदिर जा रहे थे और उनकी बीच में डेथ हो गई। यह कानपुर के बर्रा इलाके के रहने वाले मोनू, उम्र तकरीबन 8 साल होगी, लेकिन समझ किसी बड़े बुजुर्ग से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये मासूम सा बच्चा थाने में क्या कर रहा है, तो चलिए हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल 8 साल के मोनू के पिता नहीं है। कुछ साल पहले इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मोनू के रिश्तेदारों ने उसकी माँ के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि चाचा चाची और घर के बाकी लोग अक्सर इस बच्चे की माँ को प्रताड़ित करते थे, समय समय पर छेड़छाड़ और मारपीट भी करते थे। इतना ही नहीं, घर के लोगों ने शादी में मिले जेवरात भी ले लिए और चाहते हैं कि किसी तरह ये दोनों माँ बेटे घर छोड़कर भाग जाएं, ताकि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वो लोग हत्या सके। मोनू का आरोप है कि उसके रिश्तेदार उसे और उसकी माँ को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। अपनी माँ के साथ हुई घटना को देख कर मोनू को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चुपके से थाने पहुंच गया और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। क्या नाम तुम्हारा? सर मेरा नाम विराट यादव है। पढ़ते हो? पापा का नाम? नीरज यादव। किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड में। कहाँ पढ़ते हो? कानपुर में। क्या समस्या है? समस्या है कि मेरे मम्मी और मम्मा को और उनको चाचू चाची माम दादा दादी और बुआ सबको परेशान करते हैं। क्या करते हैं मम्मी के साथ? मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और छेड़ते हैं। छेड़ते हैं, क्यों करते हैं सर? ऐसा इसलिए करते हैं कि फिर हम और मम्मा भाग जाए। भाग जाए। पापा की डेथ हो गई है? कैसे? पापा की डेथ ऐसे हो गई है कि वो मंदिर जा रहे थे और उनकी बीच में डेथ हो गई। तुम डरते हो लोगों से? डरते हो किससे? डरते हो? तुम्हें क्या कहते हैं लोग? वो लोग कहते हैं कि तुम्हें मार डालेंगे और मार डालने की धमकी देते हैं। तुम्हें डरने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है? पुलिस हमेशा तुम लोगों के साथ में है। इधर आओ। तुम्हें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? डरोगे? पुलिस किस लिए है? सहायता करने के लिए, ठीक है? जब भी कोई दिक्कत होगी तो पुलिस के साथ मेरे साथ। 112 नंबर जानते हो? तुरंत 112 कॉल कर दो, पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी, ठीक? ना पुलिस पहुंचे तो थाने पर कॉल कर दो, नंबर हम दे देते हैं, ठीक है? परेशान होने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है? हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बच्चे की मां से लिखित शिकायत ली और तुरंत कार्रवाई करने को कह दिया। बच्चे की इस हिम्मत को देखकर थाने से लेकर सोशल मीडिया तक लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। इस मामले पर ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि बच्चा अपनी मां पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर थाने पहुंचा था। बच्चे और मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। ज्वाइंट कमिश्नर ने बच्चे के साथ पुलिस के बर्ताव को भी खूब सराहा। यह बच्चा जो है बर्रा पुलिस स्टेशन पहुंचा था और वहां के जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया, बच्चे की पूरी बात सुनी और एक छोटे बच्चे से पूरे विषय को जानने के बाद उस पर तत्काल कार्यवाही का न केवल आश्वासन दिया बल्कि कार्यवाही भी उन्होंने करवाई और यह बच्चे को विश्वास दिलाया कि वह मानसिक रूप से बिल्कुल परेशान न हो और बिना किसी चिंता के, बिना किसी प्रकार की समस्या के वो अपने घर जा सके। मानवीय पहलू है, बड़ा संवेदनशील पहलू है और मुझे लगता है कि न केवल SHO बर्रा बल्कि सभी थाने जहां भी इस तरह के कोई भी संवेदनशील मानवीय विषय हो, जो समाज के मानवीय संवेदना से जुड़े हुए हों, तो वहाँ पे संवेदनशीलता का परिचय देकर इसी तरह की और इससे भी बेहतर कार्यवाही करें। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।